और 1 मिनट के अंदर इस तरह का प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सर, 1 मिनट के अंदर ये आपका प्रिंट होने वाला है। ये देखिए, ये टाइल के ऊपर प्रिंटिंग होगा, ये ग्लास के ऊपर होगा, ये स्टोन के ऊपर होगा, पत्थर ब्लैक के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक के ऊपर इस तरीके से, उसके बाद आप रेड के ऊपर कर सकते हैं, आप ड्रॉप शोल्डर्स टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं कॉटन के ऊपर, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अगर आप भी DTF या सब्लिमेशन से रिलेटेड बिजनेस में है तो ये वीडियो आप ही के लिए। इसके अलावा 3D 4D प्रिंटिंग भी आप इससे कर पाएंगे और इस मशीन के थ्रू किस तरह का बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं, अपना बिजनेस आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। काफ़ी कम कॉस्ट में आप इस तरह का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो हेलो सर, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। तो सर, क्या बताने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के लिए DTF से रिलेटेड और प्रिंटिंग से रिलेटेड? प्रिंटिंग में हम आज आपको दिखाएंगे सब्लिमेशन प्रिंटिंग। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे लेकिन ये वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि हम आपको 5-in-1 कॉम्बो के अलावा भी बहुत मशीनें इंट्रोड्यूस करेंगे जो आप इस वीडियो में आप देख सकते हो। आज आपको हम मग प्रिंटिंग दिखाएंगे, उसके बाद टी शर्ट प्रिंटिंग दिखाएंगे, DTF भी दिखाएंगे, नॉर्मल भी दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे मोबाइल कवर 2D प्रिंटिंग। इसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है DTF सब्लिमेशन प्रिंटिंग से रिलेटेड, ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी कम कॉस्ट में आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं या इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सर, टी शर्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड सबसे पहले क्या अपने व्यूअर्स को हम दिखाने वाले हैं? बिल्कुल दिखाने वाले हैं हम आपको, एक येलो टी शर्ट देख रहे हो आप, आपके सामने जो येलो टी शर्ट है इसको हम लोग प्रिंट करने वाले हैं एक 5-in-1 कॉम्बो मशीन में, ठीक है। तो इसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग प्रिंट क्या करने वाले हैं। प्रिंट हम करने वाले हैं कपल डिज़ाइंस, जिसको हम देख सकते हो आपके सामने। ये जो है सब्लिमेशन, मैं आपको प्रिंट प्रोसेस दिखा रहा हूँ कैसे सब्लिमेशन प्रिंट होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को आयरन करना है, ये जो टी शर्ट्स को रख देना है ऐसे करके। एकदम सिंपल तरीका होता है, एकदम इजी तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रखेंगे, रखने के बाद आयरन करेंगे, जो रिंकल्स होते हैं हमारे प्रॉपर तरीके से निकल जाएंगे। ये देखिए रिंकल्स जो है, हमने एक बार प्रेस किया, प्रेस करने के बाद पूरे रिंकल्स निकल गए हैं। अब ये जो हमारे डिज़ाइंस है आप देख सकते हैं आपके सामने, इसको रखेंगे ऐसे, इस तरीके से रख देंगे और रखने के बाद इसको प्रेस करेंगे। यहाँ से सबसे पहले टाइमिंग को रिलीज़ करना है हम लोगों को। यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो थोड़ा सा 60 सेकंड रहेगा, यहाँ से इसको प्रेस कर देंगे 60 सेकंड के लिए। तो अगर जो इस टी शर्ट्स को प्रिंट करना चाहते हो तो आप, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रहता है 355 60 सेकंड होता है। ये जो है एक आपकी 5-in-1 कॉम्बो पूरी मशीन है, 12x15 का साइज़ रहने वाला है। और जिसमें जो रॉ मेटल है, जैसे प्रिंट क्या होता है क्या नहीं होता मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले देख सकते हो आपके सामने इतनी तरह वैरायटी के फ्रेम्स लगे हुए हैं। ये सब जो प्रोडक्ट है इस मशीन के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे कि किचन्स कर सकते हो, एक्रेलिक किचन्स है, वुडन फ्रेम है, या फिर आप इसमें इधर आ जाइए, ये जो है आप देख सकते हो आपके सामने जो है, ये जो है आपके मग्स वैरायटी हैं, यानी कि मग की वैरायटी। जैसे कि आपको मैजिक मग करना है, वाइट मग करना है, कोई भी वैरायटी के मग करना चाहते हो तो इसी मशीन से हो जाएगा। ये एक ऐसा मशीन है कि आप सारे प्रोडक्ट इसमें कर सकते हो, 3000+ आइटम आप प्रिंट कर सकते हो इसमें। पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना यहाँ से स्क्वायर वाले से टाइमिंग दबाना है और ये प्रिंट हो गया है। 60 सेकंड लगता है इसको प्रिंट होने के लिए। ये क्या बात है, बहुत बेहतरीन प्रिंट आया है और 1 मिनट के अंदर इस तरह का प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सर, 1 मिनट के अंदर ये आपका प्रिंट होने वाला है। ये देखिए क्वालिटी भी बहुत बेहतर आई है जी जी, लाइफ टाइम प्रिंटिंग रहने वाली है इसकी। और है? सर, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये प्रिंट छूटेगा तो नहीं वाश करने के बाद में? लाइफ टाइम सर, जब लोग कपड़ा नहीं फटेगा, जब लोग प्रिंट नहीं जाएगा, कपड़ा फटेगा तभी प्रिंट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कितना भी केमिकल डालो, कुछ भी डालो, ये अब इस टाइम जो है ये एक फैब्रिक के अंदर आ गया। ओके, ठीक है। अब जो है सेकेंड जो आइटम है हमारा मोबाइल कवर। जैसे कि आपने देखा होगा रेगुलर लोगों के पास मोबाइल बहुत चल रहा है, मोबाइल चाहिए किसी को अपनी कपल्स फ़ोटो लगानी है या कुछ भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से आयरन कर, ये जो अपना लेयर जो है, लेयर को रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। लेयर रिमूव करने के बाद यही मैं डिज़ाइन दिखा रहा हूँ आपको कैसे कि इमेज कैसे कैसे आपको आएगी। ये जो टेप है, हीट रेजिस्टेंस टेप है, इसको लगाना ज़रूरी है, 200-300 सेल्सियस में जलेगा नहीं आपका। लगाने के बाद हम जाएंगे इस मशीन के ऊपर, इसी मशीन से 5-in-1 कॉम्बो से करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ से टाइमिंग को रिलीज़ कर देंगे, रिलीज़ करने के बाद यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। अब ये देखिए, एक बार में इसमें कम से कम आप 6 से 7 मोबाइल कवर प्रिंट कर सकते हो, 6-7, आपके ऊपर स्पेस कितना रह रहा है। तो मल्टीपल टाइप प्रोडक्ट हो गया, पहले आपने टी शर्ट प्रिंटिंग करके दिखाया जी, और अब आप मोबाइल प्रिंट करके दिखा रहे हैं। हाँ, फिर मैं इसको दिखाऊंगा मग प्रिंट करके दिखाऊंगा, फिर मैं ब्लैक टी शर्ट दिखाऊंगा कि ब्लैक टी शर्ट कैसे प्रिंट होती है। तो हमारा टाइमिंग होने वाला है, हम लोग वेट करेंगे इसके लिए।
थोड़ा सा कुछ ही सेकंड बचे हैं इसको होने के लिए, ये देखिए हो गया। यहाँ से वीप करेगा, यहाँ से स्क्वायर वाला बटन दबाना है और थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद हम लोग पील ऑफ करेंगे क्योंकि गर्म है, चिपकेगा नहीं। तो अब जैसे ब्लैक टी शर्ट हम लोगों को प्रिंट करना है, सबसे पहले ब्लैक टी शर्ट का टेम्परेचर हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर को सेट करते हैं 300। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए बंद कर देता हूँ मैं मशीन थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद हम लोग जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा मोबाइल कवर ये हो चुका है प्रिंट, ये देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रिंट हुआ है। जिस प्रिंट में आपने टी शर्ट फॉन्ट में जिस तरीके से आपने टी शर्ट करी थी, सेम उसी साइज में मोबाइल का जो कवर है वो भी प्रिंट कर दिया है। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये देखिए इसको लेयर को निकालेंगे, यहाँ से इसको पेस्ट करने वाले हैं। ये देखिए ये अब कम्प्लीटली आपका मोबाइल कवर बन के रेडी हो गया, और मुश्किल से एक मिनट में आपका प्रिंट हो गया है, और आधे मिनट में आप लगा दो मिनट में ना आपका इस तरह का प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अब ये जो है हम जो अगला आइटम जो है हमारा ब्लैक टी शर्ट, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लैक के ऊपर ये प्रिंट हो रखा है, इसको बोलते हैं फ्लेम प्रिंटिंग। इसी को मैं आपको प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ बैक साइड में, उसी मशीन से आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं, तो भैया ये प्रिंटिंग कौन सी होती है? ये फ्लेम प्रिंटिंग होने वाली है, ठीक है, इस मशीन के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। तो सेमी मशीन से कर रहे हैं जी, और ये थर्ड टाइप का प्रोडक्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। इस तरह के अनेकों प्रोडक्ट प्रिंट कर सकते हैं, तो ये तो एक एग्जांपल है जी। बिल्कुल, ये देख सकते हो आपके सामने, सबसे पहले आयरन कर लेंगे हल्का सा जो रिंकल से निकल जाए। ये देखिए प्लेन हो गया। अब ये देख सकते हो इसको बोलते हैं फ्लेम प्रिंटिंग, जो हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। इस पर रखा, ठीक है, ओके। रखने के बाद यहाँ से स्क्वायर वाले से टाइमिंग को चालू कर देंगे, पहले दबा देंगे, हो गया, निकाल देंगे, ठीक है, ओके। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको ठंडा कर देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। क्या ये आपका प्रिंट हो गया है? तो काफ़ी आसानी से इन सब चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं जी, और जी, इसको पील ऑफ करना है हमें, और पील ऑफ करने के बाद ये प्रिंट टी शर्ट के ऊपर छप जाएगा। मग के लिए ये अटैचमेंट रहता है इसके लिए, तो मग के लिए हम लोग यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ये 5-in-combo मशीन है, इसमें अनेकों मशीन आती हैं, अलग अलग वैराइटीज़ की मशीन्स आती हैं, सिंगल सिंगल है वो आती है। ये देखिए ये लगा देंगे इस टाइप से, इसको यहाँ पे लगाने के बाद मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सबसे पहले मोड दबाएंगे, टेम्परेचर को सेट करेंगे। मैं जो पहले सबसे पहले मशीन के बारे में जान लो, ये जो है एक आपके साथ, इसके साथ में जो अटैचमेंट आने वाला है ये आने वाला है एक मग प्रेस, ठीक है, एक आपको फ्लैट वाने वाला आने वाला है, फिर आपको कैप का अटैचमेंट आएगा, फिर आपको ये आएगा 4x4 inches का, एक 4x4 inches का प्लेट का अटैचमेंट आएगा, 6x6 inches का आ जाएगा। ये हो जाएगी आपकी 5-in-combo मशीन पूरी की पूरी, ओके, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या प्रिंट करना है, आप इधर दिखाइए, ये देखिए ये जो टाइल्स कर सकते हो आप, टाइल्स पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, टाइल कर सकते हो, ऊपर दिखाइए, फ्रेम प्रिंट कर सकते हो आप, इस टाइप के जो फ्रेम्स हैं ये कर सकते हो। टम ये देखिए, अब ये जो है हम प्रिंट करने वाले हैं, ये आप देख सकते हो आपके सामने, ये जो है एक मोबाइल कवर है, मोबाइल कवर नहीं है, मग प्रिंट करने वाले हैं, आपको मग दिखाने वाले हैं मग कैसे प्रिंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे, एज टू एज तरीके से एज टू एज कटिंग करेंगे, एकदम एजी से यहाँ से इसको हटाएंगे। ये रखा, ठीक है, ये इसको ये देखिए इसको लगा दिया, टेप लगाया, टेप लगाने के बाद ये आपका मशीन में आएगा। तो अभी क्या है, अभी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन पर, अभी 330 आएगा, उसके बाद हम लोग मग लगाएंगे इसको। ओके, तो 330 आने में थोड़ा सा समय लगेगा, देख सकते हो, जैसे कि डोरी भी बनाना चाहते हो आप, ये डोरी भी बना, लैनियर्ड्स वगैरह, हाँ जी लैनियर्ड्स हो गया, तो इन पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं इसके थ्रू। बिल्कुल, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं भाई लैनियर्ड वगैरह का काम करना चाहते हैं, तो ये भी इस मशीन के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल, और कलर वगैरह डिफरेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है सर। तो मल्टी यूटिलिटी मशीन है ये जी जी जी, 5-in-1 combo जी। ये देखिए अब यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया, अब इसको जैसे ही आप लगाओगे तो टेम्परेचर जाएगा डाउन, क्योंकि सिरामिक आइटम होता है, ठंडा होता है, तो गर्म होने में समय लगता है। तो पहले ही हम लोग स्क्वायर वाले से टाइमिंग को रिलीज़ कर देंगे ऐसे, तो टाइमिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। आइए, जो मैं दिखाने वाला था आपको कि जो हमारी ब्लैक टी शर्ट्स के लिए इंतज़ार कर रही है पब्लिक,
ये देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, अब पील ऑफ करेंगे। ये देखिए सर क्या बात है, 3 सेकंड ही लगे हैं सर, ज़्यादा तो नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन प्रिंट आया, ब्लैक पर रेड कलर का कॉम्बिनेशन, और इस तरह के और भी सारे काफ़ी सारे प्रिंट हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेहतरीन है, तो काफ़ी आसान है इस तरह की प्रिंटिंग करना जी। ये देखिए ये सबलिमेशन है आपका जो हमने पहले प्रिंट किया जी, था जी, जी। ये आपका कस्टमाइज वाला है, किसी की फ़ोटो, ये भी कस्टमाइज ही है। ठीक है, ये आपका मोबाइल कवर है। तो सर मशीन का प्रोसेस तो हमने देख ही लिया है, 5 in 1 कम्बो का, और प्रोडक्ट की रेंज भी हम देख पा रहे हैं। तो सर ब्रीफ कीजिए, थोड़ा बताइए भाई किस तरह के ये प्रोडक्ट के हैं। अब आपने देखा था वीडियो में इससे पहले कि हम जो है आपको प्रोडक्ट प्रिंट होते हुए दिखाएं, अब हम आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे कि क्या क्या प्रिंट कर सकते हो। इसमें ये मग्स ऑल वेराइटीज हो सकता है, मैजिक मग्स, वाइट मग्स, उसके बाद आपको प्रिंट होगा ये फ्रेम्स, ये एक्राइलिक फ्रेम्स भी है, वुडन फ्रेम्स भी है, और ये टाइल है, टाइल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं टी कप्स भी होगा और टम्बलर्स भी होगा, 11OZ मग्स होगा। इसके साथ हम थोड़ा सामने चले तो यहाँ जो है हम देख सकते हैं टाइल्स, ये टाइल के ऊपर प्रिंटिंग होगा, ये ग्लास के ऊपर होगा, ये स्टोन के ऊपर होगा, पत्थर, और उसके बाद जो होगा वो होगा अवार्ड्स के ऊपर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। मतलब आपने तो सर कुछ छोड़ा ही नहीं है, सबके ऊपर ही प्रिंट अवार्ड्स के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुशन्स है, पिल्लोस के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल केसेस, मैंने पूरा वीडियो में आप देखे होंगे, पूरा वीडियो में ही प्रोडक्ट जो है मोबाइल कवर डिस्प्ले है यहाँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मेटल के शीट्स के ऊपर प्रिंटिंग है। उसके बाद आते हैं टी शर्ट्स में कोई भी कलर का टी शर्ट हो जाएगा, वेदर इट्स ब्लैक हो, ऑरेंज हो, वाइट हो, येलो हो, स्काई ब्लू हो, नेवी ब्लू हो, कोई भी कलर हो, ईजिली हो जाएगा। okay. उसके बाद हम चलते हैं और एक स्टूडियो जहाँ हम सिर्फ टी शर्ट्स देखेंगे। टी शर्ट्स ऑल वेराइटीज जो है प्रिंट किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कितने वेराइटीज ऑफ टी शर्ट्स है। ब्लैक के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक के ऊपर इस तरीके से, उसके बाद आप रेड के ऊपर कर सकते हैं, आप ड्रॉप शोल्डर्स टी शर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं कॉटन के ऊपर। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं जितने भी कलर वेराइटीज ऑफ टी शर्ट्स कर सकते हैं, हुडीज कर सकते हैं, जीन्स कर सकते हैं, सब प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि प्रिंट नहीं होता है। इसके बाद हम चलेंगे और एक स्टूडियो जहां हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आता है, आप देख सकते हो यहाँ जितने भी प्रोडक्ट है ये सब डिजिटलाइज्ड है। इसमें लाइट जलता है, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रेम्स है जिसमें लाइट्स ऑलरेडी लगा हुआ है। ये LED प्रोडक्ट है, ये पूरा LED का रेंज है। इस तरीके से आपको इस बिजनेस में जब स्टार्टअप करते हो तो मशीन्स एंड रॉ मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले मशीन का रिपेयरिंग, उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद डिज़ाइनिंग, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग, सोशल मीडिया में आपको डेली वीडियोस डालना है, उसके बाद जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो में भी आप अपना ब्रांड बना के बेच सकते हैं। और भी बहुत सारा प्रोसेस है, जब आप विजिट करेंगे हम आपको बताएंगे। ये मत कहिएगा कि हमने वीडियो देख लिया, आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं डिटेल्स तो भेज दूंगा। आप ऑनलाइन अगर मंगवा लेते हो मशीन तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करोगे, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग ये बिजनेस स्टार्ट मत करना, आप फंस जाओगे। अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करके डेली का रिटेल मार्केट में डेली का 5,000 to 10,000 ईजिली अर्न कर सकते हो, आसानी से ईजिली। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको प्रचार करना पड़ेगा। कि इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखना, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मशीन ले लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो अपना दुकान का शटर एक टाइम में उठाते हैं और एक टाइम में बंद कर देते हैं, और वो बीच का टाइम जो है उनका चल जाता है बिकॉज ऑफ बैठे बैठे। तो मैं ये बताता हूँ कि आपको करना है प्रचार, मार्केटिंग करेंगे आज नहीं तो कल 6 महीना बाद आपका बिजनेस आएगा ही आएगा। और आपको हर प्रोडक्ट इसमें प्रिंट हो सकता है, आपने वीडियो में देखा होगा, यही था इस वीडियो में। सर इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद में अगर कोई आपके ऑफिस में विजिट करना चाहता है तो सर एक बार लोकेशन ब्रीफ कर दीजिए, कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, और कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो वो भी ब्रीफ कर दीजिए, जिससे कि आप रीचेबिलिटी आसानी से हो पाए। जी बिल्कुल, ऑफिस का एड्रेस की बात करें तो ये है 99 सबलिमेशन B282 द्वारका सेक्टर 7 रामपाल चौक, विशाल मेगामार्ट के ऑपोजिट साइड में, सामने में गली है, उस गली में आना है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो 2 मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है, एक है आपका द्वारका सेक्टर 9, दूसरा जो है द्वारका सेक्टर 7, पालम एंड द्वारका सेक्टर 9, ये दोनों जो है नियरेस्ट मेट्रो
स्टेशन से। ऑफिस का टाइमिंग जो है मॉर्निंग 10:30 से लेकर इवनिंग 7 बजे तक टाइमिंग है, आप कभी भी आ सकते हैं। और सर कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कॉन्टैक्ट नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर रहेगा, मैं एक बार नंबर बता भी देता हूँ। मेरा नंबर है 8595875043, फिर बता रहा हूँ 8595875043, ये मेरा मोबाइल नंबर है जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस तरह का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, DTF प्रिंटिंग से रिलेटेड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, 99 सब्लिमेशन वन रूफ सॉल्यूशन है और यहाँ पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो इन्हेंस कर पाएंगे, सर ने सारी डिटेल्स भी बताई है, और फिजिकली भी आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।